हेलो गाइस, वेलकम टू मेधास एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की, यानी कि AISEE की। और ये जो एग्ज़ाम है गाइस, ये कंडक्ट जो कराती है NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट कराती है। तो अभी जो है रिसेंटली हमारा ये एग्ज़ाम हुआ हो चुका है, और ये जनवरी 2022 में 9 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसके रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। और अगला जो एग्ज़ाम है अब ये 2023 के लिए होगा, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे, इसके अलावा जो ये इसका फॉर्म का डिटेल्स बात करेंगे, इसकी एज लिमिट पे बात करेंगे, इसके सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो संस्थान द्वारा स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा और जो ऑफलाइन बैचेज हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो ये डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो हम मान के चल रहे हैं ये जनवरी 2023, हालांकि ये 2022 में भी हो सकता है एग्ज़ाम, जो कि नवंबर या दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। वो NTA पे डिपेंड करता है, लेकिन इस बार में जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था वो पिछले एग्ज़ामों के कंपेयर में थोड़ा सा डिले हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे वहाँ पे इसका ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, 6 अप्रैल 2022 से ये बैच प्रारंभ होने वाला है, और इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप 5 अप्रैल 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा संस्थान से संपर्क करके आप डिटेल्स ले सकते हैं नए बैच के बारे में, और इसका स्टडी मटेरियल नोट्स भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, जो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये जो एंट्रेंस होता है क्लास सिक्स्थ और नाइन्थ के लिए होता है, ठीक है ना, क्लास सिक्स्थ और नाइन्थ के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो एज लिमिट होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर क्लास सिक्स्थ की मैं बात करूँ तो एज लिमिट 10 से 12 वर्ष होते हैं, वही अगर बात करें क्लास नाइन्थ की तो 13 से 15 के बीच में एज होना चाहिए, ठीक है ना, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं क्लास सिक्स्थ में जो ओवरऑल जो पेपर है 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। हालाँकि बात करें अगर नाइन्थ क्लास की तो यहाँ पर 400 मार्क्स का टोटल ओवरऑल पेपर होता है, जिसमें सेम सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, प्लस यहाँ पर एक आपको साइंस एडिशनल सब्जेक्ट मिल जाता है कंपेयर करें तो सिक्स्थ स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो ये इसमें रहता है। इसके अलावा अगर बात करें अब इसके ऑनलाइन फॉर्म की, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है सितंबर और अक्टूबर 2023 में इसके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे। हालांकि जो करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जो भी आपको करेक्शन वगैरह करना होता है उसके लिए भी NTA आपको समय देता है, तो अक्टूबर और नवंबर यानी कि जब फॉर्म आते हैं उसके अगले महीने में जो लास्ट डेट होती है उसके नेक्स्ट मंथ से आप एक महीने का इसमें भी समय मिलता है। आप इसमें जो भी अगर करेक्शन की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस करेक्शन को भी इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें जो रिजर्वेशन है उसका क्या क्राइटेरिया है करके। जो 67% सीट्स आर रिजर्व फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स, यानी कि अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर जो 67% सीटें वो ईच एंड एवरी स्टेट, जहाँ भी जिस भी स्टेट में होगा वो उस स्टेट की डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व रहता है, ठीक है ना। तो 67% सीट्स आर रिजर्व फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स एंड रेस्ट 33 सीट्स आर लेफ्ट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर देन उत्तराखंड, अगर बात करें कोई भी स्टेट तो वहाँ पर। इसके अलावा इसमें भी जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ये दी सीट्स इंक्लूड कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब ST 7.5%, OBC 27% एंड डिफेंस सेक्टर
25% रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था। इसके अलावा जो फॉर्म डिटेल्स हैं वो आपको बता दी हैं। इसके अलावा पेपर का सिलेबस हमने बताया कि कैसे आप ये कर सकते हैं। हालांकि जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा पहले, इस बार हो सकता है थोड़ा सा एक महीने पहले इसका एग्ज़ाम को NTA कंडक्ट कराने का प्रयास करेगा, क्योंकि लास्ट जो था यहाँ पर COVID-19 की वजह से जो भी यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिले था, क्योंकि ये डिले एग्ज़ाम हुआ था, तो अब ऐसा मे बी ना हो, एक महीना पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट जो है लगातार हमसे संपर्क करते हैं स्टडी मटेरियल नोट्स के रिगार्डिंग। तो इसका जो स्टडी मटेरियल नोट्स है स्पेशली आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर आप संस्थान से संपर्क करके लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और नोट्स सैंपल भी आपको फेसबुक पेज पर ही मिल जाएंगे। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और ये बैच 6 अप्रैल से प्रारंभ होगा, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 5 अप्रैल है। और यहाँ पर जो भी फीस वगैरह है वो मंथली भी सेपरेट आप दे सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट में भी आप इसे इंक्लूड दे सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर जो है क्लासेज जो हैं, हम लोग स्टडी मटेरियल नोट्स बेस्ड क्लासेज भी चलाने वाले हैं। इसमें जो 2 घंटे की क्लास चलेगी, इसमें 1 घंटा पर्टिकुलर जो है मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेज रहेंगी, और बाकी जो है GS और इंग्लिश पोर्शन पे भी काम होगा, और साइंस पोर्शन अगर क्लास 9th के एस्पिरेंट है तो वहाँ पर भी इस पे काम होगा। तो ये ओवरऑल जो था सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में एक वीडियो लेक्चर हम लोगों ने तैयार किया। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इसके लिए डिमांड करते हुए आ रहे थे, तो स्पेशली ये वीडियो लेक्चर से उन्हें भी थोड़ा सा जानकारी मिल गई होगी कि कब इसका फॉर्म आएगा, कब आप लोग इसे फिल कर सकते हैं, कब आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्या इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है, क्या इसका सिलेबस रहता है। ओवरऑल हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू गाइज़।